यमुनानगर जिले का खानूवाला गांव पानी की त्रासदी झेल रहा है। इस वक्त जहां हम खड़े हैं यह कोई दरिया नहीं है बल्कि खानूवाला गांव की सड़क है और इसका पानी का बहाव आप देख सकते हैं कि कितना तेज है। दरअसल हम आपको बता दें हैं कि सोम नदी अपने उफान पर आने की वजह से दो जगह से जो है पटड़ी टूट गई है, जिसकी वजह से जो है दर्जनों गांव में पानी घुस गया था, लेकिन आज दोबारा से पटड़ी टूटने से खानूवाले गांव में फिर से पानी आ गया। आप देख सकते हैं कि पूरे गांव में जो है कुछ इसी तरह के हालात हैं। सारी फसल है वो जलमग्न हो गई है, घरों में पानी घुस गया है, लोग अपनी ज़िंदगी को बचाने की जद्दोजहद करते नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग फरिश्ता बनकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पहले इस गांव की असलियत जान लेते हैं कि यहाँ पर पानी आखिर बार बार क्यों आ रहा है और कैसे इससे बचा जाए, ये हालात क्यों ऐसे हो गए हैं भाई साहब। भाई यो सोम नदी का जो बांध था वो टूट गया और इससे पहला भी दो चार दिन पहला बहुत पानी आया भी था। अच्छा। तो उसके बाद भी कोई यहाँ प्रशासन के द्वारा कोई हेल्प नहीं करी गई, जय आम जनता ना हो यहाँ की लोकल गोंग वांड के सब साथ दे रहे भाई। अच्छा। बाकी प्रशासन का कोई वो नहीं है इस टाइम तक, अरे भी वो बांध नहीं बनया, जब ऊपर और बारिश है कि इससे दुगुना पानी आवागा, रात बरात पानी आ गया तो और ज्यादा नुकसान हो सका है। तो चलो पटड़ी टूटने की वजह ये बता रहे हैं कि पुल का जो है वो तरीके से जो है प्रशासन ने जो है उसके बंदोबस्त नहीं किए थे, दोनों तरफ से जो है पानी जाना था लेकिन एक पुल के नीचे से पानी जाने की वजह से जो पटड़ी क्रैक हो रही है, क्या ये सच है? हाँ जी सच है जी। पता क्या जी, एक तो उसके जो चढ़ाई नहीं रही उसकी, एक ढंग से काम नहीं कर रहा था जी, और अभी तो और बारिश हो रही है पर उससे दुगना पानी आएगा अभी यहाँ पर, अभी और आएगा जी, देख लो आपके सामने है जी क्या हाल हो रहा। तो किस तरह जो है खुद की जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं आप, किस तरह खुद की जिंदगी बचाने में लगे हुए हैं भाई? नहीं जी बदल ले यार, बदल ना यार, वो खुद की जिंदगी क्या है, तो बेचारे बहुत परेशान है यार, सारा फर्नीचर गड़ गया इनका और सारा सब कुछ गड़ गया इनका, तो मेरा खाने का देख लो, हम गाँव के आसपास के लोग ना मदद कर रहे हैं इनकी बस। अच्छा। हाँ देख कुछ नहीं बचा भाई इनका कुछ भी, इतना नुकसान है एक घर का ना 10 लाख रुपए का नुकसान है कम से कम। अच्छा। सब कुछ गड़ गया भाई, सब वॉशिंग मशीन क्या फ्रिज क्या सारा कुछ गड़ गया भाई, सब कुछ गड़ गया टोटल सामान, हम तो निकाल रहे हैं ना घर घर से, सरपंच के घर से निकाला सब सामान, सरपंच का गड़े लिकड़िया जी, रजियां सरीके सब कुछ जी, पेटियां सरीके में पानी भर गया जी, देखो जी आप, हम तो सारा कुछ ना निकाल रहे, 2-3 दिन निकाल रहे जी हम तो, और आज फिर यही बहु आ गया पानी का जी। तो मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए आप जो है इस घर के जो लोग हैं वो छत के ऊपर खड़े हुए हैं, अंदर घर के पानी बह रहा है, वो तस्वीरें देख सकते हैं कि अब एक और तस्वीर मैं आपको आगे जाकर दिखाना चाहूँगा और इन हालात से रूबरू कराऊँगा कि आखिर क्या यह हालात जो ये हालात हुए हैं आखिर उसका जिम्मेदार कौन है, आगे आइए आपको आगे भी लेकर चलता हूँ। गांव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद आई, उनसे बातचीत करते हैं। जी भाई साहब क्या हुआ, ये बाजू की हिल रही है आप? जी ये करंट लग गया जी, इन्वर्टर से अंदर पानी आ गया था। अच्छा। पानी ज़्यादा था। अच्छा। तो बाजी अंदर गए हम, बस वहीं पकड़े आप, तो हमारी किसी ने खबरदार नहीं ली, 11 तारीख हम तबाह हो गए, बस सब कुछ तबाह हो गया हमारा, कोई अधिकारी या नेता आपसे कोई हमारे पास कोई नहीं पहुँचा अभी तक। तो कौन मदद के लिए कौन आगे आ रहा है? बस कोई भी नारा, जब लोग आए आस पड़ोस में गाँव वाले लोग हैं हमारा। अच्छा। साथ दे रहे हैं, रोटियां भी दे रहे हैं, चाय पानी पूछ रही हमारे बेचारे, और हमारे पास कोई नहीं आ रहा है अभी तक, ये कोई गाँव में सुनाई नहीं हो रही है भाई, बिल्कुल सुनाई नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही है, यहाँ पर घर सारा बर्बाद हो गया है, पैसा लेता सब बर्बाद हो गया, 1 रुपया ने अंदर बचा कुछ भी नहीं है, आदमी मेरे सरकारी में लेके गए छुट्टी करवा के वहाँ पर छोड़ के आ गए, क्या सुनाई दिया, एक ग्लूकोज चढ़ाया पर जाओ ले जाओ घर पे, इससे थोड़ी इलाज होता है, ये तो मरते बचा नील पड़ा, ये कोई इलाज हो रहा है क्या? बंदा करंट से बच गया, मैं बची हूँ करंट से, इसके हाथ को मैं एक ग्लोव चढ़ा के वहाँ पर छोड़ के हमें आ गए वहाँ से, फिर हम लिफ्टा लेके आए टेम्पो करके आए, ऐसे क्या सुनाई दे रहा, कोई सुनाई दे रही हमारी, नहीं सरकार बड़ी बेकार है, बहुत गंदी ओला, बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान तो सारा ही सारे हो गए भाई, अंदर देखो जाके दुकान लूट गई, सारा पूरा नुकसान हो गया, सब जीरी फसल फुसल कुछ खाने को कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं, वो मतलब है आपने मतलब की चीनी आटा सब गया खत्म, गेहूं के ड्रम सारे सारे के सारे बिक गए, कपड़ा लगता कुछ नहीं है, भूल गए, 6 दिन हो गए यही कपड़े पाके घूम रहे, 6 दिन हो गए किसी ने सुनाया नहीं, अब क्या फायदा, जब बंदा रूप गया कुछ कर गया कुछ फायदा नहीं हो रहा,
कभी हमारी सुनाई तो ले कम से कम करंट लगे इसके तो कम से कम देखे कल लोग कुछ हो जाए हम कहाँ जाएंगे हमारे तो बच्चे छोटा छोटी लड़की है 10 साल की फिर भी हमारी कोई सुनाई नहीं का मंजी पा पाया जी मसाई मंजी पे डाला इनको तो ये करंट लगा पड़ा इसका पर ऊपर से तार इसने खींची वो पानी में गिर गया पानी ने सारा घेर लिया इसे मसाई खींच के काटा लगा के डंडे से गांव वालों ने तार तोड़ी गांव वालों के तार तोड़ने तो इनका बचाव हुआ पीछे करंट बंद आया तो इन्हें खींच के बाहर निकाला नहीं है तो इनका तो काम अंदर ही हो गया था जी तो हर बार होते है इस साल ऐसे ये इस साल ये दूसरी बार है जी मतलब इसी साल के अंदर दूसरी बार है कभी पहले कभी ऐसा हुआ नहीं जी ठीक है जी तो ग्रामीणों ने अपनी आप बीती सुनाई है आप खुद सुनिया होगा आपने और देख सकते हैं कि कितनी दर्दनाक इन्होंने अपनी दास्ता सुनाई है जो भी अधिकारी या नेता इस इनकी आप बीती सुन रहे हैं तो न्यूज 18 भी गुहार लगाता है कि कम से कम इन जो लोगों की इन पीड़ित की आवाज़ सुने और इनकी जितनी मदद हो सके वो की जाए न्यूज 18 के लिए परवेज खान यमुनानगर।